आंदोलन कहाँ है? ये तो इतने शहर में कितने लोग दिखा दे, शहर में कितने लोग दिखा दे। हमारे जिले में अगर कोई गड़बड़ी होगी, गड़बड़ी की बात कहेंगे ना आपके, आपके गड़बड़ी की बात कहेंगे ना। जो हमारी प्रमुख मांगे थी उन मांगों को माना गया है कि फर्जी मुकदमे वापस होंगे, राशन का कार्रवाई जो यदि गलत की गई है वो वापस होगी, जिन युवाओं पर, बेकसूर युवाओं पर इनाम रखे गए हैं वो वापस होंगे। इन सारी मांगों को कप्तान और डीएम साहब ने मीडिया के सामने कहा कि हम इन सबको पूरा करेंगे, यदि इन में वादा खिलाफी की गई तो पुनः हम पूरे देशव्यापी आंदोलन करने के लिए तैयार। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इन दिनों लगातार मैदान में डटे हुए हैं। जहां कांशीराम के परिनिर्माण दिवस पर चंद्रशेखर ने नगीना लोकसभा में बड़ी रैली की, तो वहीं गुरुवार को चंद्रशेखर मध्य प्रदेश पहुंचे। बता दें कि 25 सितंबर को ग्वालियर में गुर्जर समाज द्वारा सम्राट मेहरभोज को लेकर धरना दिया गया था, जिसके बाद प्रशासन और आंदोलनकारियों में झड़प देखने को मिली थी, जिसमें तमाम लोगों पर मुकदमे लिखे गए थे। इसी मामले को लेकर 12 अक्टूबर को ग्वालियर में जेल भरो आंदोलन का संगठन की तरफ से ऐलान किया गया था। बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावों के कारण आचार संहिता लागू है, जिसके बाद जेल भरो में गिरफ्तारी देने जा रहे चंद्रशेखर आजाद समेत सपा विधायक अतुल प्रधान और गुर्जर संगठन के अध्यक्ष रविन्द्र भाटी समेत तमाम कार्यकर्ताओं को मुरैना में अल्लाह बेली चौकी के पास रोक दिया गया, जिसके बाद आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच लंबी वार्ता चली। मैं यही तो आपको आचार संहिता के हमारे आचार संहिता में तो बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, नेता बड़े बड़े रोड पर अनुमति लेकर अनुमति मांगे तो आपने नहीं कहा। वहीं नेताओं के साथ वार्ता के समय जब हमने स्थानीय प्रशासन से बात की तो उन्होंने कहा कि आचार संहिता के कारण किसी को आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और वार्ता की जा रही है। 25 तारीख को पिछले महीने की ग्वालियर में एक गुर्जर समाज के द्वारा एक आंदोलन हुआ था और उसको विरोध को लेकर के ये कुछ लोग जो है जेल भरो की इनने आह्वान किया था और उसी तारतम्य में आज दिल्ली से ये चंद्रशेखर रावण आजाद जी, इसके अलावा रविंद्र भाटी जी और एक विधायक हैं अतुल प्रधान जी, ये अपने समर्थकों के साथ आए थे। चूँकि मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगी है और इनके ग्वालियर पहुंचने से या मध्य प्रदेश में आने से यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने की पूरी आशंका थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को यहाँ पर रोका गया है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर है और इनसे अभी बातचीत चल रही है और संभवतः पॉजिटिव बातचीत। वहीं प्रशासन से वार्ता के बाद इस मामले में 25 सितंबर को जिन लोगों पर मुकदमे किए गए उनके परिवार से मुलाकात के लिए प्रशासन की तरफ से मोहलत दी गई, जिसके बाद चंद्रशेखर ने उन परिवारों से मुलाकात की और हाल चाल जाना। फिलहाल गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भाटी की तरफ से बताया गया कि डीएम से लेकर जिला प्रशासन ने उनकी मांगों को मान लिया है, जिसके बाद वे अब जेल भरो आंदोलन को वापस ले रहे हैं, लेकिन आंदोलन वापस लेते समय उन्होंने प्रशासन को एक चेतावनी भी दे डाली। आज 12 अक्टूबर जेल भरो आंदोलन था ग्वालियर में और आज हमने यहाँ पे गिरफ्तारी दी अपनी आगे, जो गुर्जर समाज की हमने ज्ञापन दिया था जिसमें 10 तारीख को माननीय जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी साहब और हमारे आईजी साहब, हमने अपनी मांग रखी थी कि यदि आप हमारी मांगों पे पूरा करोगे तो हम अपने वापस को जेल भरो आंदोलन को वापस ले लेंगे। तो हमने पहले आके अपनी गिरफ्तारियां दी जिसमें आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, भीमारवी प्रमुख और बहुत सारे गुर्जर भाइयों ने जो यहाँ गिरफ्तारियाँ दी, उसके अलावा शासन से वार्ता हुई कई दौर की और उसमें जो हमारी प्रमुख मांगें थी उन मांगों को माना गया है कि फर्जी मुकदमे वापस होंगे, राशन का कार्रवाई जो यदि गलत की गई है वो वापस होगी, जिन युवाओं पर, बेकसूर युवाओं पर इनाम रखे गए हैं वो वापस होंगे और जो अभी तक इस प्रकरण में अब कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। एक मांग हमारी आकाश गुर्जर की थी कि उसके परिवार को न्याय मिले, उसमें भी उन्होंने आश्वासन दिया है मीडिया के सामने, और एक मांग हमारी थी बोरेसर मंदिर पर बोर्ड हटाने को ले, जो बोर्ड हटा है उसको पुनः लगाया जाए और जो 700 लोगों पर मुकदमे लगे वो अज्ञात लोगों पर वो निरस्त किए जाएं। इन सारी मांगों को कप्तान और डीएम साहब ने मीडिया के सामने कहा कि हम इन सबको पूरा करेंगे और फिर हमने उनके आश्वासन के बाद हमने जो अपना आंदोलन था वो आज वापस ले लिया, जेल भरो आंदोलन। जिन लोगों ने, बहुत लोगों ने आज बहुत लोगों को डिटेन रखा गया था, बहुत लोगों के गाँवों में इतनी भारी संख्या पुलिस लगाई गई थी, सभी जिलों में लोगों को रोका गया था और कल से ही लोगों के आने जाने पे पाबंदी थी,
और पूरी तरह जो गांव-गांव जाकर प्रशासन ने इस तरह माहौल बनाया। लेकिन हम एक बार बिल्कुल आपके माध्यम से कह रहे हैं कि यदि हमारी इन मांगों को पूरा किया गया, हम संविधान मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से यदि मांग पूरी होगी तो हम आंदोलन को समाप्त कर देंगे। यदि इन में वादा खिलाफी की गई तो पुनः हम पूरे देशव्यापी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल प्रशासन के आश्वासन के बाद तमाम मांगे तो मान ली गई, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जो आश्वासन दिया गया वो कब तक अमल में लाया जाता है। मुरैना से हेमंत शर्मा के साथ ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।